सो हेलो गाइस, आई एम श्योर हर एक वन शॉट प्लेयर को ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि उसके लिए रेड एम सही है या फिर वाइट एम, मतलब वो कौन से एम प्लेसमेंट में फायर कर रहे ताकि डायरेक्ट हेडशॉट लगे या फिर उनको एक परफेक्ट वन शॉट मिले। और ये क्वेश्चन लिटरली सभी के मन में होता है, और मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे काफी बंदे हैं जो मुझे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि भाई मैं अपनी एम को कहां पर रखूंगा वन शॉट मारते टाइम, जिससे कि हम लोग एक परफेक्ट वन शॉट मिले और हम लोग अपोनेंट एनिमी को इजिली नॉक कर पाए। और गाइस सही में बताऊं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि तुम लोगों को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम पर एम हम लोग कहां पर रखेंगे ताकि हम लोग को सही हेडशॉट मिले और हम लोगों का वन शॉट मिस ना हो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहना, आई एम श्योर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि लोग अपने एम को कौन से टाइम पर कहां पर रखेंगे और रेड एम एंड वाइट एम में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो को पूरा देखते रहना। और हाँ गाइस, जो जो बंदे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ओपी ओपी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। और जो बंदे हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और इधर देखो 200 के होने वाला है ना, तो प्लीज यार जो बंदे नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इस चैनल पे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आते रहेंगे। सो या चलो वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएमजी गन या फिर एआर गन्स की। सो इन सब गन के लिए हम लोग अपने एम प्लेसमेंट को कहां पर रखेंगे जिसके यूज से हम लोग को परफेक्ट एक हेडशॉट मिले। तो देखो गाइस, अगर तुम लोग एसएमजी गन या फिर एआर गन यूज कर रहे हो तो इसमें बस एक ही हेडशॉट वर्क करता है, वो है ड्रैग हेडशॉट। और ऐसे अगर तुम लोग बोलोगे तो जंप हेडशॉट, सिटअप हेडशॉट बहुत कुछ होते हैं। तो देखो ये सब बस एक बग हेडशॉट होते हैं, और ये सब कब आएगा गेम में कब हटेगा कोई इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। सो जो मेन चीज है वो है ड्रैग हेडशॉट। तो देखो ड्रैग हेडशॉट के लिए ऑलवेज आपको अपने एम को चेस्ट पर रखना है या फिर चेस्ट अबव, मतलब ट्राई करना है कि चेस्ट से ऊपर ही रहे, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा भी अगर खींचे सो इजीली हेडशॉट लग जाए। इधर देखो एनिमी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ एम उसके बॉडी पर जाए, उसके बाद में ड्रैग कर देता हूँ। तो गाइस देखो तुम लोगों को यहाँ पर ड्रैग, सिंपल ड्रैग नहीं करना, ठीक है। मतलब ऐसे ड्रैग का मतलब सिर्फ ऊपर खींचना नहीं होता है बटन को, तुम लोगों को ड्रैग उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में एनिमी का हेड जा रहा है। अगर एनिमी लेफ्ट मूव कर रहा है तो लेफ्ट की ओर तुम लोगों को ड्रैग करना है, ऐसे खींचना है बटन को। और अगर एनिमी राइट में मूव कर रहा है तो राइट में ड्रैग करना है, इसीलिए तुम लोगों को हेडशॉट मिल जाएगा। और गाइस ड्रैग हेडशॉट के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर तुम लोगों का सेंसिटिविटी कम है तो उसको सेटिंग में जाकर इधर फुल कर लेना, और अगर 100 में भी तुम लोगों को कम लगता है तो तुम लोग DPI लगा सकते हो। बट मैं पर्सनली अगर अपना बात बताऊं तो मेरा 100 में बहुत ज़्यादा है और मैं DPI यूज़ नहीं करता हूं। सो यस, ये तो हो गया ड्रैग हेडशॉट का प्रोसेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन शॉट का क्या प्रोसेस है और हम लोग वन शॉट मारने के लिए एम को कहां पर रखेंगे। तो देखो वन टैप में तुम रेड एम से भी हेडशॉट मार सकते हो और वाइट एम से भी, बट यहाँ पर कंफ्यूजन यह है कि हम लोग रेड एम कब रखें और वाइट एम कब रखें। देखो यहाँ पर समझो, अगर एनिमी तुमसे थोड़ा डिस्टेंस में है, ठीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस में है, तब तुम लोगों को रखना है अपने एम को रेड, ऑलवेज रेड। इधर देखो एग्जांपल, एनिमी मेरे से थोड़ा दूर है और मैं इधर फायर कर रहा हूँ चेस्ट पर एम रख के, तो इजीली मतलब बहुत इजीली हेडशॉट लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बॉडी पर रखेंगे तभी लगेगा, अगर मैं एम को नीचे भी रखता हूँ तो भी लगेगा, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा और लॉन्ग रेंज में चला जाता हूँ, जस्ट एग्जांपल यहाँ पर आ गया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से वाइट एम पे फायर करता हूँ तो देखो इधर बहुत सारे शॉट्स मेरे मिस हो रहे हैं और ज़्यादातर शॉट्स ऐसे हवा में जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि जब हम लोग लॉन्ग रेंज में रहेंगे तब हम लोग अपना एम ऑलवेज एनिमी के चेस्ट पर रखेंगे। और इधर देखो जैसे ही मैं चेस्ट पर रख के फायर कर रहा हूँ इजीली हेडशॉट भी पड़ रहे हैं। बट रुको, अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में आ जाता है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज में, जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं एनिमी को शॉर्ट रेंज में दिखा रहा हूँ, देखो एनिमी काफ़ी शॉर्ट रेंज में है, ठीक है, और इस टाइम अगर मैं अपने एम को रखता हूँ रेड और चेस्ट पर रखता हूँ एनिमी के, तब देखो क्या होता है। अब मैं जितना भी ड्रैग करता हूँ भाई साहब हेडशॉट नहीं लगेंगे, लिटरली बता रहा हूँ। तुम लोग अगर मतलब हाई DPI, जितने हाई DPI होते हैं मोबाइल में, फुल कर लोगे फिर ड्रैग करोगे फिर भी हेडशॉट नहीं लगेंगे, क्योंकि गिरना हम लोगों को एक एम असिस्ट देता है जो हमेशा ट्राई करता है कि आपकी एम को बॉडी पर चिपकाए रखे या फिर बॉडी के आसपास अगर एम रखो तो वो रेड हो जाए, ठीक है। ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि गाइस जो हेड का एम असिस्ट होता है यानी कि हेड पर जाने के जो चांसेस होते हैं आपके बुलेट का, वो बहुत कम होता है और वो बहुत छोटा होता है वो वाला एरिया, और जो बॉडी का होता है वो बहुत बड़ा होता है लिटरली। सो इसी वजह से तुम लोगों के ज्यादातर बुलेट्स बॉडी पर चिपक जाते हैं और हम लोगों को वन शॉट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस गेम को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। सो गाइस इसी चीज को हम लोगों को ब्रेक करना है और हम लोगों को ट्राई करना है कि डायरेक्ट हमारा एम इस पोर्शन में जाकर पहुंच जाए। तो इसको करने के लिए हम लोगों के पास बस एक ही ट्रिक है, वो है वाइट एम। अब देखो इधर मैं अगर एम को नीचे रखा मैंने, अब मैं अगर फायर करता हूँ तो एकदम बहुत सिंपल से इजीली हेडशॉट लग रहे हैं, और देखो मैं जितना बार फायर करूंगा इजीली हेडशॉट ही लगेंगे। ये सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये तो बस मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर हम लोग कुछ कस्टम्स के भी एग्जांपल ले ले, देखो मैंने इधर कस्टम खेला है और मेरे जितने भी क्लिप्स देखोगे तुम लोग इधर एक चीज नोटिस करो, मैं जिसको भी मार रहा हूँ मेरा एम देखो पहले पैरों के नीचे और वाइट, ठीक है। एम जरूरी नहीं कि तुम लोग पैरों के नीचे ही रहोगे, दाएं या बाएं रख सकते हो, बट अगर तुम लोग दाएं बाएं रखते हो तो रोटेशन ड्रैग, पैरों के नीचे रखते हो तो स्ट्रेट ड्रैग, ठीक है।
अगर तुम लोग रोटेशन ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक नहीं जानते तो मेरे वीडियोस चेक कर लो, बहुत सारे पड़े हैं, तुम लोग देखोगे ना बहुत इजीली सीख जाओगे। यस गाइस, आई होप तुम लोगों को क्लियर हो चुका है कि एम तुम लोगों को कहाँ रखना चाहिए। और सही में बताऊँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो प्लीज़ इस बात पर लाइक कर देना। और आज के बाद तुम लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि अपने एम को हम लोग कहाँ पर रखेंगे ताकि हम लोगों को एक परफेक्ट हेडशॉट मिले। सो यस, शॉर्ट रेंज में वाइट एम, और थोड़ा अगर लॉन्ग रेंज होता है तो रेड एम। और हाँ गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्शन ऑफ ड्रैग तुम लोगों को आना चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में एनिमी का हेड मूव कर रहा है हम लोगों को उसी डायरेक्शन में फायर करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ तुम लोग मेंटेन कर लेते हो तो तुम लोग जहर वाले हेडशॉट मारोगे और क्या ही वन टैप मारोगे एकदम लेजेंड जैसा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जरूर बता देना, मुझे ना टॉपिक ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर तुम लोगों का बहुत अच्छा टॉपिक हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मेरे तरफ से। सो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।